स्वागत है आपका आज इंडिया न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ मुस्कान नागदा। सुनते हैं आज की खास खबर। नगरी निकाय चुनाव को लेकर आज इंदौर में मतगणना होनी है, उसको लेकर महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला मतगणना स्थल पर पहुंचे तो अंदर जाने से रोकने लगे। इसको लेकर कांग्रेस विधायक एवं महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला ने मतगणना स्थल के बाहर ही धरने पर बैठ गए और इस दौरान जमकर हंगामा भी हुआ। वहीं विधायक एवं महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला का कहना था कि प्रशासन दबाव में काम कर रहा है और यदि बीजेपी को प्रशासन के माध्यम से ही चुनाव जिताना है तो हम अपने सभी कार्यकर्ताओं को बाहर निकाल लेते हैं। साथ ही कांग्रेस विधायक एवं महापौर प्रत्याशी ने पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। और सारे कार्यकर्ताओं को सब भारतीय जनता पार्टी के रूम में कार्यकर्ता के रूम में पुलिस एजेंट काम कर रही है। ये सब जाहिर अभी शुरू दिन ही हो गया, अभी ही हो गया है। ऐसा हुआ तो हम हमारे कार्यकर्ता बाहर निकाल लेंगे, उनको मेयर बनना हो तो ऐसी मेयर बन जाएगी। क्या कमलनाथ जी को इसकी यहाँ से भी शिकायत करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आप क्या शिकायत करेंगे? देखिए भारतीय जनता पार्टी के रूम में ये कांग्रेस के जो पुलिस वाले एजेंट रूम में काम कर रही है आपके सामने इनकी मंशा जाहिर हो गई है कि इंदौर अंदर क्या करना चाहते हैं। ये लोग चुनाव हराना है तो ऐसे ही हार जाते हैं, जनता को बीच में लाखों करोड़ों में बर्बाद किया है, वो नहीं होना चाहिए। आप बोलो तो हम भी बाहर निकल जाते हैं। शुक्ला जी भाजपा के नेता बोल रहे हैं कि ये बौखलाहट है हार की और इसीलिए शुरुआत। अरे जिसने बोला दिखा दिया, ये सामने रघुवंश सिंह खड़े हुए हैं, उनने खुद ने रोका है, खुद ने रोका है, हम क्यों करेंगे? ये बुजुर्ग आदमी को रोक लिया, ये बुजुर्ग आदमी को रोक लिया। बत्तीसवीं की गई यहाँ पे, बच्चे भी हमको बैठना पड़ा, फिर क्यों भेज दिया अंदर हमको? के साथ क्या व्यवहार कर रहे हो आप लोग? आगे का क्या एक्शन रहने वाला है? अभी देखते हैं अंदर जाते हैं, अंदर क्या व्यवस्था नहीं हुई है, मतगणना शुरू भी नहीं हुई। उसके पहले अपने पुलिस के रूप में एजेंट रूप में काम कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है तो ये सामने खड़े पूछो इन्हें रोका ही रोका इन्हें। कोई भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रहे हैं कि हम नोटंकी कर रहे हैं, नोटंकी तो तुम लोग कर रहे हो, तुम्हारा कुछ बचा नहीं इसलिए नोटंकी कर रहे हो। पुलिस किसके एजेंट के रूप में काम कर रही है? भाजपा सरकार के उसमें एजेंट के रूप में काम कर रही है। और